सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए पीवीसी शीट, तो मैंने ले लिया 4 पीस, आपको भी 4 पीस बना लेना है छोटा छोटा। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए कैप, बस इतना ही, और बना लेंगे हम दो ही चीज़ में दोस्तों, एक प्रोपेलर, जो कि दोस्तों प्रोपेलर हमें बहुत ही महंगा मिलता है ऑनलाइन, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है दोस्तों, लेकिन जो मैंने बनाया है उसमें मेरा दोस्तों 10 रुपया का खर्चा आया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब तो दोस्तों मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसी टाइप से दोस्तों इन दोनों पर भी ड्रॉ कर देना है, और उसके बाद दोस्तों हमें इसे ही कट कर देना है सीजर के मदद से, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे कट कर दिया है, तो उसी टाइप से इन दोनों को भी कट कर लेना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। मेरे लिए दोस्तों तीनों प्रोपेलर रेडी हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से फिनिशिंग कर देना है सैंड पेपर पे, तो जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद जो दोस्तों पीवीसी शीट बचाया था उसे लेना है, और हमें कैप को उसके ऊपर रख देना है, और इसका भी दोस्तों आउटलाइन मार्किंग कर लेना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसे भी हमें कट कर लेना है, मैंने मार्किंग कर लिया है, तो इसे जल्दी से कट करके दिखाता हूँ मैं। तो इसे मैंने दोस्तों कट भी कर दिया है और होल भी कर दिया है दोस्तों मोटर के साफ के अनुसार। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, पेंसिल फिर से लेना है दोस्तों हमें, और स्केल लेना है। स्केल के जगह पर मैं कुछ भी ले रहा हूँ, तो आप स्केल ले सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको लाइन लगाते जाना है दोस्तों। तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, पूरे 8 लाइन लगाना है दोस्तों। तो हम दोस्तों 8 ब्लेड का यूज तो करने वाले हैं नहीं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये और ये और ये तीनों का यूज करना है दोस्तों। यहाँ पर ही हमें इसको देख के ही हमें ब्लेड को चिपकाना है, तभी दोस्तों इनबैलेंस नहीं होगा और प्रोपेलर जो है अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसको अच्छे से चिपका लेना है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसे चिपका लिया है, तो उसके बाद हमें तीनों प्रोपेलर को लेना है और चिपका देना है, तो हम इन तीनों पर चिपकाने वाले हैं, तो कुछ इस टाइप से चिपकाना है दोस्तों हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है, तो कुछ इस तरीके से चिपकाना है, और ये वाला जो इसका इसके ऊपर चिपकाना है, और उसके ठीक साइड में जो हिस्सा है उसके से टच होना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर लाइन बनी है, तो ये हमारी मदद करेगी। तो कुछ इस तरीके से हम रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर टच हो रही है ये हिस्सा यहाँ पर और इसका एंड यहाँ पर, तो उसी टाइप से दोस्तों हमें तीनों को चिपका लेना है, और इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना है सैंड पेपर की मदद से, रफ करना है तभी अच्छे से चिपकेगी, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो जिस तरीके से दोस्तों मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है, देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त अपना बन चुका है प्रोपेलर, बस 5 रुपये में, मेरा तो 5 रुपये खर्चा हुआ है, आपका 5 से 10 रुपया खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए इसे टेस्ट भी करते हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों उसके साफ में फेविकोल डाल देना है, साफ नहीं होल में, और उसके बाद दोस्तों हमें साफ को इसके अंदर लगाना है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं 12 वोल्ट का पावर दे रहा हूँ, तो एकदम मस्त चल रही है, इसका आवाज़ तो आपको आ ही गई होगी। तो फिर से लगाते हैं, और इसके सामने मैं एक कागज़ को रखता हूँ, देख सकते हो दोस्तों कितना तेज़ी से उड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हवा है दोस्तों, देख सकते हो ये प्लांट को मैंने रखा है, ये थोड़ा लूज है दोस्तों, मैंने अच्छे से नहीं लगाया है, तो थोड़ा लगाते हैं फिर से, देख सकते हो दोस्तों प्लांट उड़ने लगा है, पूरा पास लाऊं मैं अगर तो लगा। ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और उस वीडियो को लाइक लगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।